जब ये चढ़ाई शुरू होती है, ध्यान के ऊपर आगे बढ़ने लगते हैं, तो फिर मूलाधार में जब ये शक्ति पहुंचती है, वहाँ अश्विनी मुद्रा अपने आप शुरू हो जाती है। कुछ योगीजन योग के द्वारा, कुछ ध्यानीजन ध्यान के द्वारा, कुछ लोग जो प्रयास करते हैं योग के माध्यम से कुंडलिनी को जगाने के लिए, वो लोग अश्विनी मुद्रा करते हैं अशोक की तरह से। आप जब ये करके देखोगे, आपको ताकत महसूस होने लगेगी, उससे काम ऊर्जा के ऊपर पकड़ होती है। वो ऐसा द्वार है जहाँ से ऊपर की तरफ भी बढ़ा जा सकता है और नीचे की तरफ भी जाया जा सकता है। अगर हम उस काम ऊर्जा को केंद्रित करके ध्यान के द्वारा या इसी योग के माध्यम से एकाग्र होकर के फिर आगे बढ़े, आगे जब हम बढ़ेंगे उससे ऊपर के चक्कर में जब हम जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर शुरुआत हो जाएगी अपने आप ही इस पेट को के अंदर जो भी क्रियाएं हैं, जो भी नाभि की क्रियाएं हैं, कपालभाति अपने आप होने लगेगा, अपने आप अंदर बाहर पेट होने लगेगा, अपने आप फड़कने लगेगा, सब कुछ क्रियाएं शुरू हो जाएंगी और अंदर से खेल चलना शुरू हो जाएगा। जब आप थोड़ा और ऊपर बढ़ोगे, फिर आपको ठंडा ठंडा अनुभव होगा कि क्या हो रहा है, बिल्कुल एकदम से ठंडा हो गया महसूस हो रहा है, कि कुछ रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ चल रहा है और क्या हो गया है ये, मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ ठंडा सा पदार्थ एकदम से, जैसे किसी ने बर्फ़ रख दी हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, तो एकदम से बर्फ़ रख दी हो, कभी ये महसूस होगा। सर्दी के अंदर भी जैसे पूरे के पूरे वस्त्र उतार दें, इतनी गर्मी महसूस होगी, सर्दी के अंदर भी पसीने अपने आप निकलने लगेंगे। ये ऊर्जा का प्रभाव है, ये आपके ध्यान का प्रभाव है, ये आपके अंदर जो चढ़ाई चल रही है उन चीज़ों का प्रभाव है। जब आप इसे थोड़ा और आगे बढ़ोगे, अपने आप ही अंदर से क्रियाएं शुरू हो जाएंगी और फिर धीरे धीरे सुगंध की ओर बढ़ने लगोगे, और कभी आपको बड़े बड़े अजगर दिखाई देने लगेंगे, कभी कुछ दिखाई देने लगेगा, भय पैदा करने वाली ताकतें आपको दिखाई देने लगेंगी। रोकने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि किसी भी प्रकार से इसको यहीं रोक लिया जाए, इसको आगे ना चढ़ना दिया जाए। जब आप मेहनत करोगे, इस ऊर्जा को और बढ़ाओ के आप ध्यान का रूटीन जो है उसमें निरंतर बढ़त करते जाओगे, सांसों के ऊपर पकड़ मजबूत होगी, ध्यान के ऊपर मजबूत पकड़ होगी, नाम के ऊपर अगर मजबूत पकड़ होगी, एकाग्रता होगी, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपके अंदर में भय उत्पन्न हो गया, डर गए, या आपको गुरु के ऊपर विश्वास नहीं रहा, स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं रहा, आपने अपने जो आत्मबल है वो कमज़ोर कर दिया, या आपने वहाँ जा कर के घबराहट हो गई, वहाँ जा कर के मृत्यु का भय हो गया और वहाँ आप लौट गए वापिस, फिर आप वापिस इसी शरीर के अंदर उसी जगह के ऊपर आकर के अटक जाओगे। जिस प्रकार से लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मंजिल के ऊपर जाने से पहले उसको रोक करके वापस नीचे गिरा दिया जाए, तो नीचे आकर के कुछ भी हासिल नहीं होगा, जहां जाओगे फिर वहीं शुरू हो जाओगे। लेकिन ये बात निश्चित है, आप थोड़ी सी भी साधना करोगे फिर उसी स्थिति के ऊपर आ जाओगे। लेकिन अगर आप वहाँ जा कर के भय को नहीं छोड़ पाए, अपनी लज्जा को नहीं छोड़ पाए, खुद को के ऊपर पकड़ नहीं कर पाए, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा आपको। आपको वहीं रोक करके आपकी चढ़ाई के ऊपर विराम लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मजबूत रहे, लड़ पाए, लड़ने का अर्थ ये नहीं कि तलवार लेकर के लड़ना है या आपको बंदूक लेकर के, तोप लेकर के लड़ना है, लड़ने का अर्थ है नाम की ताकत के साथ।
आसुरी शक्तियों को जब आप हरा दोगे तो आपकी चढ़ाई और उठने लगेगी और थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी। जब उससे ऊपर के चक्कर में आप चढ़ोगे तो आपके ऊपर अपने आप प्रभाव शुरू हो जाएगा, प्राणायाम शुरू हो जाएंगे, तीनों प्रकार के प्राणायाम शुरू हो जाएंगे। सब के सब जितने भी जो मुख्यतः तीन माने गए हैं और सात प्रकार के प्राणायाम होते हैं, सब के सब बिना किए ही होंगे। ये नहीं कि आप करोगे तब होंगे, कि अनुलोम विलोम करोगे तब होंगे, ऐसा नहीं है। ये अपने आप क्रियाएं होती हैं, अपने आप अगर आप रोकना चाहोगे तो भी रुकेंगे नहीं, लेकिन आप अगर भजन को रोक दोगे तो ये क्रियाएं रुक जाएंगी, थोड़ी देर बाद ये शरीर शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप भजन के साथ आगे बढ़ते रहे, आपने ध्यान नहीं हटाया, अगर आपके मन में भय नहीं है, भय किस चीज़ का, संसारिक वस्तुओं का भय, काल का भय, या उस मृत्यु का भय जो हमारे पास एक न एक दिन आनी ही है, जो हमें ले जाने के लिए हर वक्त हर पल तैयार रहती है, या उन वस्तुओं का भय खोने का जो हमारी है ही नहीं, या इस शरीर को छोड़ने का भय, या बच्चों के लिए भय कि इनका क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आप उस स्थिति के ऊपर पहुंचोगे तो आपके अंदर ये चीज़ें पैदा होंगी। माया आपके ऊपर जाल डाल देगी चारों तरफ से कि कैसे भी करके ये जीव आगे ना बढ़े, यहीं रहे। लेकिन आप जब आगे बढ़ोगे ध्यान के साथ तो आपके ऊपर और ज़्यादा प्रभाव होगा, ताकत का, तेज का। लेकिन संकल्प शक्ति मजबूत चाहिए, बिना संकल्प शक्ति मजबूत के वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपके अंदर संकल्प शक्ति नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, मन के अंदर इतना पक्का संकल्प नहीं है कि मुझे वहाँ चढ़ना है, तो फिर वहीं रोक लिए जाओगे। क्योंकि एक एक चक्कर के ऊपर परीक्षाएं होती रहती हैं, जीव को भटकाने के लिए अनंत अनंत प्रकार की माया खेल खेलती रहती है। लेकिन जब तक हमारा ध्यान सीधा हरि के अंदर है, परमात्मा के अंदर है, गुरु के शब्द के अंदर है, नाम के अंदर है, रूप के अंदर है और नियम के अंदर हम रह रहे हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता चढ़ने से। अगर हम इन स्थितियों से नहीं एक साथ नहीं कर पाए ये सब कुछ, अगर हम नहीं चढ़ाई कर पाए, फिर हमारा जीवन का जो लाभ है वो हमें पूरी तरह से नहीं मिलेगा। अगर हम संकल्प के ऊपर नहीं रुक पाए, क्योंकि बहुत प्रकार की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, यहाँ आ करके सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे जागृत होने लगता है और धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर का ये होने लगता है कि हाँ, स्थूल और सूक्ष्म का तालमेल सा महसूस होने लगता है। और फिर जब आप कंठ चक्कर के पास पहुंचोगे तो ये जीवा अपने आप ऊपर उठने लगेगी, जिस प्रकार से हमारे योगी जन कहते थे, हमारे महापुरुष कहते थे कि ये जो जीवा है इसको ऊपर चढ़ा लेना चाहिए, कपाली का योग करना चाहिए। जीवा को मोड़ करके जब ऊपर चढ़ाया जाता है, उस अमृत की बूंद को चखा जाता है, तो ये करना नहीं पड़ेगा उस समय के ऊपर। उस समय ये जीवा अपने आप उल्टी मुड़ जाएगी और खिंचाव महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि कैसे महसूस हो रहा है, कितनी कि कुछ तो अंदर में खिंच रहा है जीवा के अंदर, कुछ तो जैसे पकड़ करके कोई उल्टी जीवा को खींच रहा हो। इस प्रकार से ये क्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। योगी जन इन जो जो मैंने क्रियाएं बोली हैं, ये सब 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 की सब योगी जन अपने प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा साधने का प्रयत्न करते हैं। इन प्रत्येक क्रियाओं को हर रोज सैकड़ों हजारों बार करते हैं और फिर इन योग को, प्राणायाम को, प्राण को, नाड़ी तंत्र को साधने का प्रयास करते हैं और कुंडलिनी शक्ति के द्वारा एक एक रोम को साधने का प्रयास करते हैं, कोशिकाओं को जागृत करते हैं, इनमें वो तेज भरते हैं। क्योंकि
ये तेज अनंत अनंत होता है, योगियों के शरीर दिव्य हो जाते हैं, ये आप लोग अनुभव करके देखिए।